पहले पार्ट में आपने देखा वैज्ञानिक एक लड़की के ऊपर पानी फेंक देता है। अगले पल उसे एहसास होता है कि उसने गलत लड़की के ऊपर पानी फेंक दिया है। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड होता है, वो उस वैज्ञानिक को बहुत मारता है। वहीं अब विशाल और जलपरी स्केटिंग करने के लिए आते हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं, मेरे पास सिर्फ 3 दिन है और मैं ये 3 दिनों को बस इंजॉय करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। तुम कौन सी जगह से आई हो जहाँ पर लोग बोलते नहीं, जहाँ पर लोग कपड़े नहीं पहनते, जहाँ पर लोग म्यूजिक नहीं सुनते? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। मैं तुम्हें नहीं बता सकती। विशाल उससे गुस्सा हो जाता है। इस बात से जलपरी नाराज होकर वहाँ से भाग जाती है। विशाल पूरी रात उसे ढूंढता है पर जलपरी उसे नहीं मिलती। जलपरी समंदर के किनारे खड़ी हुई सोच रही थी कि उसे वापस जाना चाहिए या नहीं, पर वो समंदर में नहीं जाती और विशाल के पास वापस आ जाती है। मैं आज ही रात को तुमसे शादी करूंगा। हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी, पर मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। अभी नहीं। फिर दोनों गाड़ी में बैठने वाले होते हैं, तभी वो वैज्ञानिक जलपरी को देख लेता है और पानी से उसे भिगाना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में जलपरी के पैर पूंछ में बदल जाते हैं। यह देखकर विशाल और जितने भी लोग वहां होते हैं पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। अगले ही पल वैज्ञानिकों ने पिछले 12 घंटों से विशाल को पानी में बिना कपड़ों के खड़ा कर रखा होता है। उन्हें लगता है कि यह भी जलपरी की तरह एक पानी का जीव है। मैं बदलने वाला नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। इसके बाद जलपरी को उसी पानी में छोड़ दिया जाता है। मैंने कहा था कि तुम मेरी सच्चाई को स्वीकार नहीं करोगे। वो उसके पास जाना चाहती है लेकिन विशाल पीछे हट जाता है, जिससे जलपरी को बहुत दुख होता है। वैज्ञानिक भी अब समझ जाते हैं कि विशाल एक इंसान है, बदलने वाला नहीं है, इसीलिए उसे छोड़ दिया जाता है। जब वो घर आता है तो पूरी मीडिया उसे घेर लेती है। यहाँ पर विशाल का भाई भी आ जाता है और वो इसे अपने साथ ले जाता है। वो इसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। तुम्हारा प्यार सच्चा है। हालांकि विशाल अभी उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसकी सच्चाई जानकर शॉक्ड हो गया है। पर जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि जलपरी से वह बहुत प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ जलपरी के ऊपर अलग अलग तरह के टेस्ट हो रहे होते हैं, इस वजह से वह पूरी तरह से पीली पड़ जाती है। जो वैज्ञानिक उसे यहाँ लाया है वो अपने सीनियर वैज्ञानिक को बताता है कि मुझे जलपरी ठीक नहीं लग रही। हम तुम्हें कभी वैज्ञानिक समझते ही नहीं थे, तुम मेरी टीम का कभी हिस्सा ही नहीं थे। कल हम इस जलपरी का इंटरनल एग्जामिन करेंगे। इस बात से उस वैज्ञानिक को एहसास होता है कि कहीं ना कहीं उसने गलती की, पर अब वह जलपरी के लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो सरकार की सुरक्षा में है। लेकिन विशाल किसी भी तरह से उस वैज्ञानिक तक पहुंच जाता है और अब वैज्ञानिक, विशाल और विशाल का भाई तीनों के तीनों रिसर्च सेंटर में आ जाते हैं जहां पर जलपरी है। वहां के गार्ड्स को बेवकूफ बनाकर विशाल और वैज्ञानिक किसी तरह यहां से जलपरी को निकाल लेते हैं। जब यहां दूसरे वैज्ञानिक आते हैं तो देखते हैं कि वहां पर विशाल का भाई होता है। उन्हें पता चल जाता है कि जलपरी यहां से जा चुकी है, इसीलिए शहर का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वहां किसी तरह उन सबको चकमा देकर समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? ये पॉसिबल नहीं है, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। काश मैं तुम्हारे साथ जा सकता। तुम मेरे साथ आ सकते हो। तुम्हें याद है जब तुम 8 साल के थे, तुम पानी में कूद गए थे, तुम पानी के अंदर सांस ले पा रहे थे। विशाल ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि अभी तक उसे यही लगता था कि यह उसका भरम था। उसे याद आ जाता है जब वो 8 साल का था और उसके सामने जो छोटी लड़की आई थी वो और कोई नहीं बल्कि जलपरी थी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर जब मेरा मन करेगा मैं वापस अपने भाई से मिलने के लिए आ जाऊंगा। अगर तुम मेरे साथ गए तो कभी भी वापस नहीं आ पाओगे। इसीलिए विशाल ये तय करता है कि वे उसके साथ नहीं जाएगा।
तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और इसी वजह से जलपरी को पानी में कूदना पड़ता है। कुछ देर बाद विशाल भी उसके पीछे पानी में कूद जाता है। वो किसी भी तरह से आगे पहुँचता है पर वो पानी में डूबना शुरू हो जाता है। जलपरी उसके पास आती है और उसे किस करती है। उसके किस करने के बाद वो पानी में सांस ले पा रहा होता है और कुछ देर बाद जलपरी अपनी दुनिया में उसे ले जाती है और इस तरह से दोनों प्यार करने वाले एक हो जाते हैं।